गाइस, मैं हूं अर्णव और स्वागत है आपका मेरे चैनल टाइम टू लर्न इंग्लिश पे। आज मैं आपको कुछ वर्ड के सही प्रोनाउंसिएशन बताने वाला हूं जो कि शायद से आप रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बट अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। सो हमारे सबसे पहले वर्ड पे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा आयरन, जिसे हम में से बहुत सारे लोग आयरन ही बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। हमें बोलना चाहिए आयन, आयन। इसमें हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, आर साइलेंट रहता है इसमें। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आयन। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है फॉरगेट। सो हम में से कई सारे लोग बोलते हैं फॉरगेट, बट ये भी रॉन्ग है। इसमें भी आर साइलेंट है, इसमें हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसमें है फॉरगेट। देखिए फॉरगेट। और अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। सो हम में से बहुत सारे लोग इसे कंटेंट ही बोलते हैं, बट नो, इट्स रॉन्ग। द करेक्ट वर्ड इज कंटेंट। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है कंटेंट। सो फोर्थ वर्ड है हैंडसम, और इसको हम हैंडसम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कई सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट ये रॉन्ग है। इसमें डी साइलेंट रहता है, हैंडसम। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है हैंडसम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कुकुम्बर। इसे हम सब कुकुम्बर कहते हैं, बट नो, इट्स रॉन्ग। इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज क्यूकम्बर। क्या है? क्यूकम्बर। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लम्बर। इसे हम प्लम्बर करके ही प्रोनाउंस करते हैं, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है प्लम्बर। क्या है? प्लम्बर। नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिज्ज़ा। हम सब इसे पिज्ज़ा ही बोलते हैं, लेकिन ये भी रॉन्ग है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है पिज्ज़ा, पिज्ज़ा। हमारा एट्थ वर्ड है आमंड, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आमंड। हम सब इसे आमंड बोलते हैं, बट एल इसमें हमको साइलेंट रखना है, इसमें हमको एल को प्रोनाउंस नहीं करना है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आमंड। हमारा नाइन्थ वर्ड है बाउल, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बोल, मतलब यार बोल भाई, बोल वाला बोल। इसको हमें बाउल नहीं बोलना है, इसको हमें बोल बोलना है। सो हमारा टेंथ वर्ड है ज्वेलरी, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ज्वेलरी। सबके सब, ये ऐसा वर्ड है जिसे सब लोग ज्वेलरी ही बोलते हैं, लेकिन ये गलत। क्या कहना है? ज्वेलरी, क्योंकि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन ज्वेलरी है, ना कि ज्वेलरी। सो अ नेक्स्ट वर्ड है वेडनेसडे, पर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन वेडनेसडे नहीं है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन वेंसडे है। हमें इसमें डी को प्रोनाउंस नहीं करना है, हम इसमें डी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे जो कि है फॉरगिव। हम सब इसे फॉरगिव बोलते हैं, बट ये भी रॉन्ग है। इसमें भी फॉरगिव जैसे ही है, इसमें हमें आर को प्रोनाउंस नहीं करना है, हमें बोलना है फॉरगिव, फॉरगिव। क्या बोलना है? फॉरगिव। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे जो कि है खुद प्रोनाउंसिएशन। हम सब इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, बट ये रॉन्ग है। इट्स प्रोनाउंसिएशन। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है प्रोनाउंसिएशन। जानता हूँ आप लोग हंस रहे होंगे, जैसे ऑफ स्क्रीन मेरे मॉम डैड हंस रहे हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे जो कि है शेड्यूल। तो हम सब इसे शेड्यूल बोलते हैं, और कुछ लोग ही जानते हैं कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है स्केड्यूल। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्केड्यूल। और अब हमारा लास्ट वर्ड है फॉर्म।
इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वॉर्म। इसमें भी हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं और इसे हम वर्म भी नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं वॉर्म, डब्ल्यू ओ एम, वॉर्म। तो यही थे कुछ वर्ड्स जो कि आप सब गलत प्रोनाउंस करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मुझे आपके प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और बताना वीडियो कमेंट्स में कैसा लगा और बताइएगा कि आपको इनमें से कितने वर्ड्स पता थे। सो बाय।